अंडरकोट इलाके में आधी रात को फटा गैस सिलेंडर, तालागढ़ के रास्ते में एक दुकान में हुआ विस्फोट, 3 लाख से ज्यादा का हुआ नुकसान, आग से दुकान और आसपास की जगह हुई राख। कल देर रात अंडरकोट इलाके में तारागढ़ के रास्ते में एक दुकान में सिलेंडर फट गया। दुकान मालिक अनवर ने बताया कि करीब देर रात 2 बजे वह अपने परिवार वालों के साथ सो रहा था, एकदम से सबको आग की तब लगी। जब उठकर देखा तो सिलेंडर में आग लग चुकी थी। अनवर ने बताया कि पानी भी इतना कम था कि आग को नहीं बुझा सके। अनवर अपने परिवार वालों को लेकर बाहर निकला, लेकिन अनवर का भाई और अनवर का बेटा इस हादसे में हल्के से जल गए। अनवर ने बताया कि इसकी जूस की दुकान थी और दुकान में 3 डीप फ्रिज एक फ्रिज पड़ा था जो कि सब जल चुका है। लगभग 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। इस हादसे में अनवर के कई जानवर भी मर चुके हैं और दुकान के आसपास आग की लपटें रात भर उठती रही, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग घबराए हुए हैं। उसमें आग लगी, जब अपने को ताव लगाना तो जब आग खुली तो हम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकले, फिर उसके बाद बुझाने की कोशिश करे, मगर हवा इतना तेज था कि हम वो पानी इतना था नहीं जो हम आग को बुझा सके। उस वजह से हमने खैर बच्चों को बचा के निकल गए। 2 जानवर मेरा बंधा हुआ था वो तो वहीं रह गए और उसके बाद खाली बच्चों को ले गया। मेरे पीठ पर लगी हुई, मेरा भाई का ये पूरा ये जला, वो मेरा बेटा का ये जला। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम अबू बकर है। भाई का क्या नाम है? सादिक। आप किस जगह पर हुआ है हादसा, कहाँ हुआ है? अपना जिन्नाती मस्जिद से ऊपर जो दुकान करते, बाकी वो जगह का नाम नहीं, तारागढ़ रोड पे जिन्नाती मस्जिद से ऊपर। काहे की दुकान है आपकी? ठंडा कोल्ड ड्रिंक की दुकान है हमारी। सिलेंडर कितने फटे? एक सिलेंडर फटा, वो भी लाइट। नुकसान तो ये समझ लो ना, 3 तो डीप फ्रिज थे, एक बड़ा फ्रिज कंपनी का था, बाकी घर का सामान था। उसके बाद जो है खुद के, आज मैंने 2 आदमी से पैसे लिया उधार। जानवर के बारे में है ना, वो जानवर ही दो तो वो है ना, दो आदमी से पैसे उधार लिया कि कल को और सामान, एक का पैसे का तो मैं सामान लाया हूँ, वो सामान वही फ्रिज के ऊपर रखा हुआ, वो सामान भी जल गया। बाकी जो है और पैसे जो लिया वो परस पेंट, दूसरे ये पेंट भी मैं दूसरे और भी किसी जानवर इसके अंदर, 2 जानवर मेरा जो बड़े बकरे थे दो और वो बंधे हुए थे वहाँ पे। और अभी 13.5 जानवर है, अभी ये नहीं पता कि मेरा जानवर, अभी कोई नहीं दिख रहा है कि अब सुबह को पता चलेगा मेरा जानवर कितने बचे हुए। अंदाजन कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है। कितने बजे की बात है ये? अब मैं टाइम तो नहीं, मतलब 2:15 के बीच का बात है, क्योंकि मैं उस टाइम तो जो है ना अपने बच्चों को बचाने के लिए। आपका नाम बताइए। नाम मेरा अनवर है। आपके लड़के जी जो घायल हुए इसके, उनके नाम क्या है? अबू बकर। और मेरा भाई शादी। आबकारी विभाग ने सलेमाबाद के पास में पकड़ी 20 लाख की शराब। जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम जगह जगह कर रही है चेकिंग। 525 शराब के कार्टून समेत एक ट्रक को किया जब्त। आबकारी विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सलेमाबाद के पास एक शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 525 अंग्रेजी ब्रांड की शराब पकड़ी, जिसमें 525 कार्टून अंग्रेजी ब्रांड की शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। इस मामले में केवल 2 जने ट्रक ड्राइवर और खल्लासी को हिरासत में लिया है। यह ट्रक को पुणे की ओर ले जा रहे थे। आबकारी विभाग की टीम जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जगह जगह चेकिंग कर रही है और उसी चेकिंग के दौरान ये सफलता हासिल हुई। हाँ सर, क्या कार्रवाई? इस समय आबकारी विभाग में विशेष कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है जीरो टॉलरेंस, और इस एक पखवाड़े के इस कैंपेन के तहत आबकारी विभाग की टीमें विभिन्न जगह तैनात होकर ये कार्रवाई कर रही है, और इसी दिशा में आज सुबह सलेमाबाद के पास में चेकिंग के दौरान एक ट्रक को जब्त किया है जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई थी, और इस ट्रक को यहाँ आबकारी विभाग की यहाँ जो आयल लाइन है उसमें लेके आए हैं, जिसमें 3-4 तरह की ब्रांड है। ब्लू मून विस्की है, रोमियो है, पार्टी स्पेशल है, और 525 कार्टून बरामद किए हैं, तकरीबन 20 लाख की कीमत है। अच्छा, आरोपी पकड़े गए? आरोपी दो हैं, ड्राइवर और खलासी दोनों हिरासत में है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये? मोहाली से। ये तो इनको, इनको पूछ, इनका तो ये मोहामी की तरफ की बिल्डी है और पूना की तरफ लेके जा रहे हैं। किस चीज़ से धक्के ले जा रहे थे? कुछ
इसमें कवरिंग नहीं है, ट्रक ही है, सीधा सीधा लेके जा रहे हैं, कंटेनर के रूप में ले जा रहे हैं। सर टीम में और कौन कौन साथ है? टीम में कौन कौन? टीम में हमारे एक तो इस यहाँ थाना ग्रामीण किशनगढ़ थाना क्षेत्र लगता है, रविंदर सिंह खींची है, और इनकी टीम है हमारे विजय जोशी जी हैं जो यहाँ के सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल की हैं, और इनकी टीम है। सर आपका परिचय? मैं एनएल राठी, जिला आबकारी अधिकारी और कार्यवाहक एडिशनल कमिश्नर एक्साइज जोन अजमेर। पर्वतपुरा प्रीमियर लीग का हुआ शुभारंभ। मंत्री नीता बदेल व मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया शुभारंभ। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में खेला जाएगा मैच। आज रविवार को पर्वतपुरा प्रीमियर लीग का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनीता बदेल, महिला बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री तथा सुरेश सिंह रावत संसदीय सचिव एवं विधायक पुष्कर विधानसभा की अध्यक्षता में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पर्वतपुरा अजमेर में किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता में भाग ले रहे अजमेर शहर व ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 35 क्रिकेट टीम के कप्तान सदस्य क्रिकेट प्रेमियों की सहभागिता रही। दोनों मंत्रियों ने फीता काटकर बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया व समस्त उपस्थित क्रिकेट प्रेमियों अच्छी खेल भावना से खेलने के लिए अभिभाषण में प्रोत्साहित किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन सर के रोहित जुड़ बारियावाल के पुण्य यादगार में किया गया है। जनसेवा समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो खेल विजेता का किया सम्मान। परंपरागत भारतीय खेल खो खो निरंतर जारी रखने हेतु किया सम्मान। शहजाद हुसैन को माला पहनाकर किया सम्मान। रविवार को किशनपुरा फकीरा खेड़ा क्षेत्र में जनसेवा समिति के शहर अध्यक्ष फकरुद्दीन शाह के कार्यालय एवं निवास परिसर में अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के सुरसरा निवासी शहजाद हुसैन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो खेल में विजेता रहने पर सम्मानित किया गया। जनसेवा समिति के महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि परंपरागत भारतीय खेल खो खो नई पीढ़ी में हस्तांतरण क्रमशः जारी रखने के लिए ऐसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई अति आवश्यक है ताकि इन खेलों में रुचि बढ़ती रहे। उज्ज्वला गैस योजना के तहत पहाड़गंज में वितरित किए 102 गैस सिलेंडर कनेक्शन। महिला बाल विकास मंत्री अनीता बदेल ने गरीब महिलाओं को किए वितरित। दो एजेंसी की तरफ से 51 कनेक्शन का सहयोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत आज पहाड़गंज में गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिया गया। महिला बाल विकास मंत्री अनीता बदेल ने 102 महिलाओं को यह कनेक्शन दिया है। कुक एंड कुक व मंगलम गैस एजेंसी की तरफ से 51 गैस कनेक्शन दिए गए। इस कनेक्शन में महिलाओं को कनेक्शन के रुपए किश्तों में देने होंगे व चूल्हा और बाकी सामान निशुल्क दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत ये योजना के तहत आज 102 गैस कनेक्शन यहाँ पहाड़गंज क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो हमारे महिलाएं हैं, जो गरीब हैं और जो आज तक गैस कनेक्शन नहीं ले पाई है उनको ये कनेक्शन दिए जाएंगे। 51 गैस कनेक्शन कुक एंड कुक कंपनी की ओर से और 51 गैस कनेक्शन मंगलम गैस एजेंसी की ओर से यहाँ वितरित किए जाएंगे। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है उन महिलाओं के लिए जिनको आज गैस के चूल्हे मिलने वाले हैं और पहली बार वो गैस के चूल्हे का इस्तेमाल करने वाली है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को या स्थानीय बीजेपी की ओर से प्रदेश बीजेपी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी ये इतनी शानदार योजना है। इस योजना से सीधा सीधा लाभ महिलाओं को मिलने जा रहा है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि 102 कनेक्शन बहुत बड़ी संख्या में आज ये कनेक्शन जो है वो मिलने वाले हैं। तो मैं पुनः दोनों गैस एजेंसियों को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बहुत तय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। ये निशुल्क जो हमारा गैस का जो सिलेंडर है उसकी कीमत किस्तों में ली जाएगी और जो रेगुलेटर है, जो गैस का चूल्हा है, वो बिल्कुल निशुल्क मिला है। आचार्य विद्यासागर सर्कुलर विश्व का पहला कीर्ति स्तंभ का हुआ शिलान्यास। इस स्तंभ की ऊंचाई 45 फीट दिगंबर समाज की ओर से बनाया जा रहा है स्तंभ। आरटीओ रोड चौराहे पर दिगंबर समाज की ओर से बनाए जा रहे आचार्य विद्यासागर सर्किल का शिलान्यास आज 8:30 बजे हुआ। आचार्य विद्यासागर स्वामी संयम महोत्सव समिति के संयोजक प्रवीण चौधरी ने बताया कि विश्व का पहला कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास हुआ है। कीर्ति स्तंभ 45 फीट ऊंचा बनेगा। कार्यक्रम में दानदाताओं ने बढ़ चढ़ कर बोली का लाभ लेकर प्रक्रिया का लाभ लिया। शिलान्यास मांगलिक क्या पंडित पद्मचंद काला के निर्देशक में संपन्न हुई। दिगंबर समाज के हजारों जनों ने श्रमदान भी किया। दिगंबर समाज के जिन्होंने 90% से अधिक अंक लाने वाले 18 बालक बालिकाओं को प्रथम शिला रखकर सौभाग्य पाया। अति शीघ्र ही विश्व का पहला कीर्ति स्तंभ बनकर तैयार होगा। सत्रह जून से शुरू होगा काली माता का मेला। रेगर समाज ने बैठक आयोजित कर तय की कार्यक्रम की रूपरेखा। 16 जून को होगा रात्रि जागरण। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी रेगर समाज द्वारा काली माता का मेला भरा जाएगा। समाज के लोगों ने बैठक आयोजित कर मेले की रूपरेखा तय की व समाज के बंधुओं को मेले का कार्यभार सौंपा गया। इस मेले में न केवल अजमेर राजस्थान बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। मेले का आगाज 16 जून को रात्रि जागरण कर किया जाएगा व 17 जून से मेला शुरू किया जाएगा।
मीटिंग रखी गई क्या है? रेगरान चारोबारी पंचायत की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काली माता का मेला 17 जून 2018 को भरा जा रहा है। मेले की जो मुख्य सफल बनाने के हेतु पंचायत ने आज मीटिंग रखी, उस मीटिंग में अलग अलग व्यवस्था कमेटियों का गठन किया है, उन गठन के साथ ही सबको समाज के बंधुओं को इसमें जिम्मेदारी दी गई है कि मेला सफल बने, अच्छा बने और हमारे समाज के जो बाहर से आते हैं दिल्ली महाराष्ट्र और गुजरात से जो हमारे लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्था प्रदान हो ताकि एक समाज का मैसेज आए कि हमारा जो रेगर समाज का प्राचीन परंपराओं से मेला भरा काली माता का मेला जो हर वर्ष के बाद ही इस बार भी धूमधाम मनाया जा रहा है। मेला कब से कब तक है? 16 तारीख को माँ मई का रात्रि जागरण है जो कि रेगर समाज का प्राचीन मंदिर डिग्गी बाजार रेगरन विष्णु मंदिर में स्थित है, वहाँ रात्रि जागरण होगा और 17 जून को 10:30 बजे माताजी की आरती के पश्चात वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ घुघरा घाटी प्राचीन मंदिर स्थित यहाँ 1:30 बजे करीब पहुँचेगी। उसके बाद में माँ मई का आशीर्वाद हेतु शाम को 5:30 बजे माँ आरती का होगी, उसके बाद मेले का विसर्जन किया जाएगा। मैं अरविंद धोलकड़िया, अध्यक्ष रेगन चारोबारी पंचायत कार्यवाही। योग शिविर के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। गुलाबाड़े स्थित राजाकोट स्कूल में आयोजित निःशुल्क योग शिविर 27 मई से 21 जून तक चलेगा शिविर। आयुष्मान मंत्रालय और भारत सरकार के तत्वावधान में गुलाबाड़े स्थित राजाकोट स्कूल में निःशुल्क योग शिविर चलाया जा रहा है जो कि 27 मई से 21 जून तक चलेगा। योग सिखा रहे सिद्धू दीपा ने बताया कि योग कई बीमारियों का इलाज है, अगर आप रोज योग करते हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी और योग हर चीज में फायदेमंद साबित होता है। आदर्श विद्यालय के प्रांगण में मैडम दीपक हमारे ट्रेनर दीपक सिंधु द्वारा जो ये योग शिविर आयोजित किया जा रहा है ये इतना बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से पूरी लगन से पूरी तत्परता से हर चीज़ को समझा के हर चीज़ के बेनिफिट्स और उसको किस तरह से कराया जाता है जो मैडम ने अपने आप में पुट ऑन किया है, मैं उनके स्पिरिट की और उनके जज्बे की बहुत तारीफ करता हूँ। और हमको यहाँ पे आसपास के लोगों को जिन जिन को भी मालूम है जो मालूम पड़ रहे हैं वो सभी इसका लाभ ले रहे हैं और पूरे एक घंटा पूरा इतना अच्छा इन्जॉय करते हैं, बॉडीली एंड मेंटली इतना रिलीव फील होकर जाते हैं कि ये हमारे लिए मेमोरेबल रहेगा। और हमारा ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस शिविर को पूरे ढंग से फॉलोअप करें और हम इस मैडम के इस एक्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से इस जज्बे को बनाए रखें, इससे समाज को लाभ होगा और सभी तरह से बेनिफिट्स होंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम जवाहर चौधरी है, मैं रेलवे में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें foreignhind.com सच के साथ। Jungle.